नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में अगले 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन ही कामकाज होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य शासन ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी ऑफिस आने वाले 3 महीनों तक 5 ही दिन काम करेंगे। कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को जारी किए संशोधित आदेश में कहा है कि 31 अक्टूबर तक सभी सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 5 दिन ही काम होंगे। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद 8 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि सरकारी दफ्तर सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे। यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावशील है। अब सरकार ने नया आदेश जारी कर इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित होने के बाद भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी है। दरअसल 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के हालत बिगड़ने का असर सरकारी तंत्र पर पड़ना शुरू हो गया था। तब राज्य शासन ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित कर दी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 अप्रैल को जारी आदेश के मुताबिक मंत्रालय व राज्य स्तरीय कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रोटेशन के हिसाब से कर दी थी। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। रीवा के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बिढ़ौवा गाँव से निकलने वाली नहर से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। बता दें, गुरुवार की सुबह 8 बजे कुछ ग्रामीणों ने नहर की पुलिया में फंसी एक लाश देखी। इसकी सूचना बैकुंठपुर थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में लोहे के पुल पर फंसी लाश को बरामद कर आसपास के थाने को सूचना भिजवाई। बता दें, तभी सगरा पुलिस ने संपर्क पर अपने थाना क्षेत्र की डेड बॉडी होने का हवाला देते हुए परिजनों को शिनाख्ती के लिए भेजा है। वहां पर पहुंचे परिजनों ने बच्चे की पहचान मनीष प्रजापति के रूप में की। इसके बाद शव को पंचनामा के बाद पीएम उपरांत परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बैकुंठपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि 21 जुलाई की दोपहर बच्चा कहारन बस्ती नहर के पास टहलते समय हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी गुमशुदगी सगरा थाने में दर्ज कराई गई थी। उसी की डेड बॉडी घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौवा गांव से गुजरने वाली नहर से बरामद हो गई है। लाश मिलते ही सगरा पुलिस को सूचना भिजवाई गई थी, जहां से परिजनों को भेजा गया। जब घर वालों ने शव की शिनाख्ती कर ली तो पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।